So hello guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So if you're new here, my name is Deepa and I make videos on clothing, beauty, accessory and lifestyle in general. So if this is something you're interested in, then please take a minute and do subscribe to my channel. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ता और कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ जो मैंने होलसेल से परचेज किए हैं। ये सारे जितने भी मैंने क्लोथिंग खरीदी है सभी जो ऑनलाइन ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं उनके हैं, लाइक लिबास, बीबा एंड गेरुआ, इन सबके ब्रांड्स के कुर्ते हैं। एंड आई गॉट द चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, दिस इज द ट्रुथ। मुझे ये बहुत ही चीप प्राइस में मिले हैं। लास्ट में मैं आपको डिटेल्स मेंशन कर दूंगी मैंने कहां से परचेज किया, ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल है या नहीं है, सिंगल पीस मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते हैं। प्लस मैं शॉपकीपर का नाम भी नीचे मेंशन कर दूंगी या डिटेल्स भी दे दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू देम। एंड आई गॉट लाइक बंच ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम देयर, लाइक 9-10 पीसेस। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट कुर्ता इज दिस वन। दिस इज अ लेमन ग्रीन कलर कुर्ता और ये गेरुआ ब्रांड का है। इसका जो साइज है वो स्मॉल साइज है बिकॉज मैंने अपने अकॉर्डिंग मंगाया था, बट ये आप मीडियम स्मॉल अकॉर्डिंगली मंगा सकते हो। स्मॉल मुझे बहुत फिट आता है और मीडियम मुझे हल्का हल्का सा लूज आता है, तो मैं कुर्ते का डिजाइन देख के साइज लेती हूँ। लाइक इसका जो कुर्ते का डिजाइन है वो थोड़ा अलग था, लाइक मैं जीन्स पे पहन सकती हूँ, थोड़ा फॉर्मल लुक भी देता है, इसलिए मैंने स्मॉल साइज लिया है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द कुर्ता इज द स्लीव्स। एज यू कैन सी इसकी जो स्लीव्स है वो एल्बो को लाइक टच करेगी एंड इसका जो पैटर्न है वो बहुत प्रिटी है। लाइक इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वर्क किया हुआ एक्स्ट्रा अलग से, इट्स अ सिंपल कुर्ता फुल लेंथ आर्ट एंड जो इसकी स्लीव्स है एज यू कैन सी यहाँ पे इसे फोल्ड किया हुआ है। दी स्लीव्स, लाइक ऐसी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड एज यू कैन सी जो इसका पूरा प्रिंट है ज्योमेट्रिकल प्रिंट है, इसकी लेंथ अच्छी खासी है। लाइक इसकी जो लेंथ है वो नीज से नीचे है। मुझे ऐसे कुर्ते बहुत पसंद है जिनकी जो लेंथ होती है वो नीज से नीचे होती है। ओके, द शॉकिंग पार्ट ये है, ये कुर्ता मुझे सिर्फ 300 रुपीज में मिला था। वेबसाइट पे ये लाइक 1000-1500 का दिया होता, लाइक कुर्ता और इसके साथ इसकी पैंट थी आई गेस, या ट्राउजर था इसके साथ, बट मुझे वो नहीं चाहिए था। आई नीड दिस वन ओनली बिकॉज मैं ये व्हाइट ब्लू किसी के ऊपर भी पहन लूंगी। तो आई गॉट, और ये कुर्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे 300 रुपीज का पड़ा एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। बहुत जितने भी कुर्ते लिए इनके कलर बिल्कुल डिफरेंट है, कोई किसी से मैच नहीं करता। प्लस इनका जो डिजाइन है ये सारे अलग है। सेकंड वन इज दिस डार्क ब्लू कुर्ता, लाइक रॉयल ब्लू। इसकी जो स्लीव जो है वो 3/4 है, इसकी पूरी स्लीव पे ऐसा का प्रिंट हो रखा है व्हाइट कलर में। ये कॉटन के है, लाइक अगर आप मैंने मीशो से परचेज किए थे कुर्ते तो वहां पे जितने भी कुर्ते थे 90% ये था कि रेयन फेब्रिक में था, इसलिए वो थोड़े चीप प्राइस पर मिल जाते हैं। बट कॉटन जो होते हैं वो समर एप्रोप्रिएट होते हैं, इजी टू वेयर एंड आई फील लाइक बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो ये सारे कुर्ते जो है कॉटन फेब्रिक में है, सो दैट्स आई लव ऑल ऑफ देम। ओके, सो दिस वन एज यू कैन सी इसका जो नेक पे प्रिंट है ये थोड़ा सा लाइक ओवल शेप में दे रखा है, अलग से पैच किया हुआ है, दैट लुक्स सो गुड एंड सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे लाइक बटन की जगह ये छोटे छोटे किए हुए हैं, लाइक इट लुक्स लाइक कि ये बटन है बट ये बटन नहीं है। As you can see, buttons नहीं है। इसकी लेंथ जो है वो नीज से हल्की सी नीचे है, मतलब मुझे नीचे आती है। एंड यू कैन सी इसका फुल लेंथ है। ये मैंने जो साइज लिया है वो आई लिया स्मॉल ही लिया है बिकॉज सेम मैंने इनका प्रॉपर सेट नहीं लिया, सिर्फ कुर्ता परचेज किया था, सो मैंने स्मॉल ही साइज लिया इसका भी। और इसका जो ब्रांड है वो संग्रिया करके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट या दिस लुक्स सो गुड। एंड या द शॉकिंग पार्ट अगेन, क्वालिटी इज सो गुड, मेटीरियल एक्सट्रीम, डिजाइन परफेक्ट, कलर आई जस्ट लव इट एंड आई गॉट दिस जस्ट फॉर 300 रुपीज। लाइक 300 रुपीज में मुझे कुर्ता मिला एंड आई एम लविंग इट। थर्ड वन, ओके थर्ड वन इज दिस। एज यू कैन सी जितने मैंने तीनों कलर दिखाए तीनों से एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो द थर्ड वन इज दिस। इसकी भी सेम स्लीव है, 3/4 स्लीव है। इसका जो साइज है वो मैंने थोड़ा बड़ा लिया था आई गेस, या एंड एज यू कैन सी इसका जो प्रिंट है वो ऐसा प्रिंट है, लाइक होता है ना गोल्डन और व्हाइट कलर की स्ट्रिप लाइन्स हैं, गोल्डन और व्हाइट कलर के, पिंक कलर के प्रॉपर है। जितने भी कॉटन की क्लोथिंग होती है उनके नीचे आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है, लाइक स्पेगेटी वगैरह पहननी पड़ती है बिकॉज वो हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होते हैं। यार दिस इज द वन एंड आई लाइक दिस वन। द प्राइस, दिस इज फ्रॉम लिबास, या ये लिबास का है। इसका कोड वगैरह सब इसमें मेंशन है, सारी चीजें मेंशन की हुई है। ये 2020 का मैन्युफैक्चर है, तो ये तीसरा है और इसका भी प्राइस सेम है 300 रुपीज। द फोर्थ वन इज दिस ग्रीन कुर्ता
कुर्ता. सो ये ग्रीन कलर का कुर्ता है, ये भी लिबास ब्रांड का है. और अगर आप किसका जो प्रिंट है, अगर आप इसका टेक्सचर देखोगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग है. लाइक प्रॉपर प्लेन ग्रीन नहीं है, इस पे व्हाइट कलर की लाइन है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर सा, आई थिंक दिस इज विजिबल. और इसके ऊपर जो प्रिंट है वो पूरा फ्लारी प्रिंट है. इसकी स्लीव सेम एल्बो से ऊपर है, एंड जिसका मतलब लाइक एल्बो से ऊपर जितने भी स्लीव्स होते हैं फील लाइक आप उन्हें फॉर्मल की तरह भी पहन सकते हो. प्रिंट किया हुआ है, ये ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का प्रिंट है. फैब्रिक इज प्योर कॉटन, इसमें ऐसा लिखा है प्योर कॉटन. इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है लिबास की प्रॉपर वेबसाइट पे अगर आप चेक करोगे, बट मुझे यही कुर्ता 300 रुपीज में मिला. दिस द बेस्ट पार्ट एंड क्वालिटी इज सुपर. नेक है वो अलग है, लाइक होता है ना, आई डोंट नो इस नेक को क्या बोलते हैं, बट ये विजुअल होगा. ये नेक है. सो द नेक्स्ट वन इज दिस कुर्ता. आई रियली लाइक दिस वन. मैंने ऐसा आपको अभी तक नहीं दिखाया होगा. इसका कलर बिल्कुल अलग है, कोई भी कलर आता है इससे मैच नहीं होता. लाइक सी ग्रीन सा कलर है, ग्रे नहीं है. और इसके ऊपर जो इसके ऊपर सारे रेड कलर की होता है ना फ्लावर प्रिंट है. और इसका नेक बहुत अच्छा है, लाइक यू कैन सी ऊपर से चाइनीज कॉलर है. यू कैन इजिली वेयर ऑन जीन्स एज वेल एज ऑन रेड कलर प्लाजो और ट्राउजर और पैंट्स, आप किसी के ऊपर भी पहन सकते हो. और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस जो अवेलेबल था इसका वो था 2399 2400 रुपीज, पूरा सेट का, लाइक नीचे जो बॉटम वेयर था उसको मिला के. बट मैंने सिर्फ कुर्ता लिया है. सो आई गॉट दिस फॉर आई गेस, व्हाई यू आर गेसिंग इवन, फॉर 300 रुपीज ओनली. ओके, दिस वाज फॉर 300 रुपीज. सो या नेक्स्ट कुर्ता इज दिस ग्रे कलर कुर्ता. आई फील लाइक मैंने इस वीडियो में जितने भी कुर्ते मेंशन किए वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बहुत अलग अलग कलर है. ओके, सो दिस इज द कुर्ता, दिस इज द ग्रे कलर. एंड इसका जो मटेरियल है वो खादी प्योर कॉटन है. ओके, आई फील लाइक शायद खादी होगा. हल्का सा ट्रांसपेरेंट है. एज यू कैन सी ये पूरा ग्रे कलर का, इसका जो नेक है सिमिलर है, मैंने एक दिखाया था उससे. इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और इसका जो नीचे पार्ट है ना कर्व है थोड़ा सा, आई विश थोड़ा विजिबल हो. As you can see, ऐसे कर्व दिया हुआ है, सो इट लुक्स गुड. इसके साथ के मैंने प्लाजो भी परचेज किया थोड़ा अलग डिफरेंट कलर का. ये सारे जो थे कुर्ता थे, आपको दिखाने वाली कुर्ता सेट, जो मैंने प्रॉपर कुर्ता सेट लिया. लाइक आपने अभी देखा होगा मीशो पे या बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि प्लाजो की जो लेंथ है वो प्रॉपर एंकल तक नहीं आती, उससे थोड़ी सी ऊपर ही रहती है. आजकल ऐसा फैशन चल रहा है. सो आई गॉट द सेम वन, दिस इज द कुर्ता. एंड इसका जो फेब्रिक है इट्स प्योर कॉटन. और इसका जो प्रिंट है और इसका जो कलर है बिल्कुल डिफरेंट है. लाइक इस ऑरेंज कलर है ये, बीच में व्हाइट कलर की लाइन दी हुई है. इसका जो नेक है वो सिमिलर है, मैंने एक ऐसा कुर्ता है जिस दिखाया था द फर्स्ट वन, उससे बिल्कुल सिमिलर है. इसकी जो स्लीव्स हैं वो स्लीव्स जो है वो 3-4 स्लीव्स हैं. और सेम प्रिंट है जैसा आपको पूरे कुर्ते पे प्रिंट है, सेम प्रिंट इसका स्लीव्स पे भी है. एंड इट इज सो सो ब्यूटिफुल. ये कुर्ता था. और अगर मैं इसका आपको ट्राउजर दिखाऊं तो ये इसका ट्राउजर है, मतलब प्लाजो है पूरा. लाइक मैं अपनी एक मीशो वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखना. तो वहां पे मैंने दिखाया था एक ग्रीन कलर का घिया कलर का कुर्ता सेट था पूरा, और वो भी ऐसा ही था सेम. उसका जो बॉटम वेयर था वो सेम ऐसा ही था. सो दिस इज द बॉटम वेयर, एज यू कैन सी अच्छे से पूरा खुला है. एंड दिस इज द प्रिंट. सो नाउ आप गेस कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा. सो द कुर्ता सेट वॉज फॉर 600 रुपीज. लाइक मुझे दोनों जो है 600 रुपीज में मिले थे. फर्स्ट थिंग ब्रांड के हैं, सेकेंडली प्योरली कॉटन है. दैट इज लाइक मैंने मीशो से जो चीपेस्ट कुर्ता परचेज किया था कॉटन में कुर्ता सेट, वो 800 रुपीज का था. एंड आई गॉट दिस फॉर 600 रुपीज. सो या द लास्ट वन इज दिस कुर्ता सेट, दिस इज फ्रॉम लिबास. ऐसे मैंने मीशो पे बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे अवेलेबल थे वहां पे द सेम. बस मिस्टेक ही हो गई, जो मैंने इससे पहले ग्रीन लिया था उसमें भी ना सेम ही प्रिंट था हल्का हल्का. सो मुझे किसी को गिफ्ट देना पड़ेगा, लेट्स सी. सो दिस इज द ग्रीन कुर्ता. अगर आप देखोगे ये टेक्सचर जो है इसका वो पूरा प्लेन नहीं है, इस पर ऑलरेडी हल्का हल्का वर्क किया हुआ है. छोटे छोटे फ्लावर प्रिंटेड है, लाइक अंदर ही है, इसमें अलग से कुछ पैच नहीं लगा हुआ. मेटीरियल इज प्योरली कॉटन. या एंड इसके आगे से ऐसा एक होता है ना थ्रेड भी है जो आप नॉट कर सकते हो, बांध सकते हो. और इसकी लेंथ सेम है, इस पे पूरे पे सेम प्रिंट किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम ऐसा प्रिंट किया हुआ है. ट्राउजर है वो सेम, फुल लेंथ का ट्राउजर नहीं है. इसका जो ट्राउजर है फुल लेंथ का नहीं है, ये नीचे से थोड़ा सा होता है ना एंकल से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा जब पहनेंगे. एंड
as you can see, this is the one. प्योरली कॉटन, बहुत सॉफ्ट मटीरियल है, इजी कंफर्टेबल, बिकॉज एक साल में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो होता है वो समर सीजन है जो चलता है, और मतलब गर्मियां ज्यादा चलती हैं, सो आई फील लाइक गर्मियों में कॉटन ही अप्रोप्रिएट होता है. सो यस, यू कैन ट्राई दीज ऑल दीज. ऑल दो इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें परचेज की थी, लाइक मैंने प्लाजो परचेज किए थे बीबा ब्रांड के, मैंने नॉर्मल प्लाजो भी परचेज किए थे जो मुझे 200-300 रुपीज के मिले थे, बहुत बड़े बड़े भी थे. सो यस, मैंने वो इस वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं, बट उन सबका प्राइस भी सेम था, 200-300 रुपीज. इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आता है, आपको कोई और चाहिए, तो उनके पास पूरी कैटलॉग होती है, कुर्ते के पिक्चर्स होते हैं, वो आपको शेयर कर देंगे और आप उनमें से चूज करके बाय कर सकते हो. एंड ऑनलाइन डिलीवरी होगी, आई गेस मे बी 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ऑनलाइन डिलीवरी के, अगर आप अकेला कुर्ता मंगाते हो, कुर्ता सेट मंगाते हो, बट या अगर आप 4-5-6 मंगाते हो तो आई फील लाइक शायद डिलीवरी चार्जेस ना लगे. सो इट ऑल डिपेंड्स. This is all for this video. I hope you guys enjoyed this video. और आपको ये कुर्ता कलेक्शन मेरा अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत दिमाग लगा के परचेज किया था इस बार. So yeah, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. Please hit the like button, share, comment, and yeah, please don't forget to subscribe to my channel. Meet in next video. Till then, enjoy. Bye bye. Take care.